ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत, ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है इस चैनल के जरिए लगातार लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के साथ जुड़े रखना, ताकि आप कहीं पर भी कोई गलती ना करें, और अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए जिसके लिए आप सीख कर रहे हैं तो वो टाइम से टाइम आपको प्रोवाइड करते रहें। प्रेजेंटली जो कनाडा को लेके सिनारियो चल रहा है, इट इज वेरी पॉजिटिव इन वन टर्म एंड कुछ अनसेटिस्फाइड है दूसरी टर्म में। पॉजिटिव कहाँ है कि जितने बच्चे पुराने रुके हुए थे उन सब के रिजल्ट्स लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। एवरी डे जो अच्छी कंपनीज हैं वो 20, 50, 30 रिजल्ट्स रिसीव कर रही हैं, PPR रिसीव कर रहे हैं। बट ऑन द सेकेंड साइड सेटिस्फेक्शन अनसेटिस्फाइड है बच्चे जो क्यूबेक में अप्लाई किए हुए हैं, उनको ज़्यादा रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहे। अगर कोई शो भी डालता तो वो कहते हैं जी पहले एविडेंस दिखाओ, आप कैसे कह रहे हो रिजल्ट आ रहे हैं। सो डेफिनेटली जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी हमने कहा था कि आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करें एंड योर कॉलेज कैन डेफिनेटली अश्योर यू सम PPRs जो उनको रिसेंट रिसीव हुई होंगी। जिन कॉलेज के साथ हम काम करते हैं वी कैन अश्योर यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि रेगुलर रिजल्ट जो कैनेडा के हैं वो देखने को क्यूबेक के मिल रहे हैं, किसी तरह की परेशानी या लोड लेने की जरूरत नहीं है। स्पीड कम है इससे हम एग्री हैं, उम्मीद है कि ये जैसे जैसे मार्च का आगे का समय आएगा ये स्पीड और बेहतर होती जाएगी और बच्चे ज़्यादा रिजल्ट आने वाले दिनों में रिसीव करेंगे। लेकिन आज का जो शो है उसको मैं मेजरली रखना चाहता हूँ, वो तीन मिस्टेक्स जो कैनेडा अप्लाई करने के टाइम पे बच्चे जनरली कर देते हैं और उनको वो नहीं करनी चाहिए। तो इन तीन चीज़ों से ज़रूर बच के रहना अगर आप अपनी नई एप्लीकेशन लगाने जा रहे हैं। पहली, कभी भी 2 में 5.5 या इससे कम वाले स्कोर वाले बच्चे बिल्कुल ही अपनी कनाडा की फाइल ना लगाएं, उसके रिफ्यूज होने के चांसेस 99% रहेंगे। ये एक बहुत जनरल मिस्टेक है जो कनाडा जाने वाला बच्चा एक डिप्रेशन में करता है। जब उसका 2-3 बार अटेम्प्ट करने पर भी एक अच्छा स्कोर नहीं आ पाता तो वो कहीं ना कहीं रिस्क लेने के माध्यम से ये करता है। ये आपकी कोशिश है अगर आप रिस्क के परस्पेक्टिव से करना चाहते हैं, बट आई डोंट एडवाइज यू, क्योंकि 2 में 5.5 के साथ आपको रिजल्ट नहीं दिख सकता। दूसरी मिस्टेक जो कनाडा में बच्चे करते हैं वो है अपनी इनकम और सेविंग्स पे ध्यान नहीं देते। वो एक साल की फी ट्रांसफर करते हैं, GIC करते हैं, बट वो इस चीज पे बिल्कुल फोकस नहीं करते कि वो अपनी इनकम कितनी दिखा रहे हैं, अगर कम है या एवरेज है तो उसके साथ में वो सेविंग सपोर्ट कितना दिखा रहे हैं। इस कोविड के अंदर आई पर्सनली रिकमेंड यू कि आप कुछ फंड्स जरूर लगाएं अपनी फाइल के साथ ताकि आप फाइनेंशियली वीक ना दिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सेकेंडली, आपके फैमिली के मेंबर्स जिनकी आप इनकम दिखा रहे हो दे मस्ट बी वर्किंग वेल, मतलब उनकी मिनिमम सपोर्ट वाली रिटर्न्स ना लगाएं। मिनिमम सपोर्ट वाली रिटर्न्स होती हैं ज्यादातर वो जिसमें आप सिर्फ उतनी रिटर्न फाइल करते हो जितने में टैक्स ना लगे। सो ट्राई टू गो अबव दैट, कुछ टैक्स पे करें गवर्नमेंट को और वो रिटर्न्स लगाएं, मतलब 6 से 7 लाख के ब्रैकेट में अपनी रिटर्न्स को रखने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। कम से कम हम 5 लाख की लगा सकते हैं, बट 5 लाख तक की रिटर्न इज नॉन टैक्सेबल इन मेनी ऑफ द केसेस। तो हियर आई रिकमेंड यू कि गो अबव एंड बियॉन्ड दैट, जहां पर आपकी जो इनकम एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिखे कि आप कनाडा जाना अफोर्ड कर सकते हैं। थर्ड मिस्टेक जो बच्चे जनरली करते हैं वो है कि अपने कोर्स की रेलेवेंसी को प्रॉपरली चेक नहीं करते। वो सिर्फ नॉन मेडिकल, मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, इस बेसिक स्ट्रेटजी के अंदर रहते हैं, बट वो ये ध्यान नहीं देते कि वो कौन से सब्जेक्ट्स में वीक हैं और जिन सब्जेक्ट्स में वो वीक हैं क्या उनकी रिक्वायरमेंट, उनके जो प्रोस्पेक्टिव कोर्स जो उन्होंने कैनेडा में ऑप्ट किया उसमें रिक्वायर्ड है। अगर रिक्वायर्ड है तो आपके रिजल्ट नेगेटिव हो सकते हैं। सो ट्राई टू गो फॉर द कोर्स जिसमें आपके नंबर्स कम है और उस सब्जेक्ट की आगे रिक्वायरमेंट ना हो। ऐसे कोर्सेज होते हैं, आपको फाइंड आउट करने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है प्रोफाइल्स के ऊपर। सो इस चीज को भी इंपॉर्टेंटली समझें सो दैट यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन। और साथ में जो ग्रेजुएट बच्चे हैं अगर उनके 1 में 5.5 हैं तो देन आई एडवाइज देम कि वो स्पेशलाइज कोर्स लें, वो नॉर्मल कोर्सेज PG कोर्सेज ना लें, वो स्पेशलाइज्ड कोर्स लें जिस ट्रेड में भी उन्होंने ग्रेजुएशन की है और उसके रिलेटेड 2 ईयर्स का स्पेशलाइज्ड कोर्स। स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कई तरह के होते हैं, जैसे मान लो आप BCA BIT के स्टूडेंट हो, 1 में 5.5 हैं तो आप लाइक डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स ले सकते हैं, वायरलेस टेक्नोलॉजी का कोर्स ले सकते हैं, मतलब वो स्पेशलाइज्ड हों किसी पर्टिकुलर ट्रेड में ताकि आप एक बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज वहां से देखते हों बीइंग अ IT स्टूडेंट। सो वहां पर आपकी जो प्रोबेबिलिटी वीजा है वो ज्यादा रहेगी रेदर देन आप 1 में 5 के साथ PG डिप्लोमा इन IT या PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस लेते हैं। तो ये मिस्टेक्स ना करें तो आप एक बेहतर और पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ कनाडा डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आगे भी इस चैनल के जरिए आपको गाइड करते रहेंगे। आज के लिए इतना, नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं
वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो थ्री स्टेप्स, अ सिंपल थ्री स्टेप्स. नंबर वन, यू नीड टू विजिट आवर वेबसाइट broadwaystudy.com. नंबर टू, यू नीड टू फिल अ फॉर्म. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा, यू हैव टू फिल योर नेम, नंबर एंड द कंट्री यू विश टू ट्रेवल. एंड नंबर थ्री, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे, यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे, वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनी वेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ब्रॉडवे तुहाडे विदेश जाण दे सुपनिआं नूं देवेगा हकीकत दी उड़ान.